ideal solutions and non-ideal solutions. ठीक है? तो देखिए पहले हम read करते हैं ideal solutions क्या होते हैं. अब हमने यहाँ पे हम solution की बात कर रहे हैं. तो solution में दो component तो exist होंगे. हम binary solution लेके चल रहे हैं. मतलब जिसमें दो components, दो substances को हमने mix करके solution बनाया. मान लीजिए हमारे पास एक component है A और दूसरा component है B. इन दोनों को मिक्स करके हमने सॉल्यूशन ऑब्टेन किया. तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें ए बी इंटरेक्शन, ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन के इक्वल होते हैं. ए ए इंटरेक्शन कब थी? जब हमारे पास प्योर ए कंपोनेंट था. और बी बी इंटरेक्शन कब थी? जब हमारे पास प्योर बी कंपोनेंट था. जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया? सॉल्यूशन आ गया. और उसमें अब क्या होगी? ए बी इंटरेक्शन. आइडियल सॉल्यूशन में ए बी इंटरेक्शंस इक्वली मैग्नीट्यूड होती है टू ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शंस. ठीक है? फिर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. इसका क्या मतलब है? सपोज करो जो हमारे पास ए कंपोनेंट था, प्योर ए कंपोनेंट, वो मान लेते हैं हम एक लीटर लिया था हमने, और बी प्योर बी कंपोनेंट वो भी हमने एक लीटर लिया था. उन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो हमारे पास सॉल्यूशन जो बनेगा उसका वॉल्यूम 2 लीटर आएगा. मतलब बिफोर मिक्सिंग दोनों का जो टोटल वॉल्यूम है वो 2 लीटर था और आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आया वो भी 2 लीटर आया. मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया. ठीक है? तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. फिर आइडियल सॉल्यूशन के लिए थर्ड कंडीशन है डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. डेल्टा एच मिक्सिंग मींस चेंज इन एंथैल्पी जो होगा वो 0 है. देखिए ये कैसे है. जब हमारे पास प्योर ए कंपोनेंट था ए ए इंटरेक्शन थी, प्योर बी कंपोनेंट में बी बी इंटरेक्शन थी. जब सॉल्यूशन बनाया तो ए बी इंटरेक्शन आ गई है हमारे पास. तो ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन से ए बी इंटरेक्शन तक पहुंचने के लिए हमें ए ए इंटरेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा. तभी तो ए बी इंटरेक्शन आ गई है. इसी तरह बी बी इंटरेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा तब हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन की ए बी इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाई. तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है. एनर्जी हमें देनी पड़ती है. ठीक है? और जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, मान लो हमें हीट देनी पड़ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव. हम हीट दे रहे हैं मींस पॉजिटिव. तो यहाँ पे हमें क्या है? इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हीट देनी पड़ेगी. तो उसको हम साइन करेंगे पॉजिटिव. इसी तरह बी बी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी. मींस यहाँ पे भी एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव. मान लीजिए हमें इन इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए 10 जूल हीट देनी पड़ेगी. सपोज करो इसी तरह बी बी इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए भी हमें 10 जूल हीट देनी पड़ेगी. ठीक है? और यहाँ पे ये ए बी इंटरेक्शन आएगी, मतलब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, हमें तोड़ना नहीं है बॉन्ड. बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है तो हीट रिलीज होती है. ठीक है? तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो हीट रिलीज होगी वो कितनी होगी? 20 जूल. अगर यहाँ पे हम 10 जूल दे रहे हैं तो यहाँ पे जो हीट रिलीज होगी वो कितनी होगी? 20 जूल. हीट रिलीज को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव. इसके केस में 20 जूल हो जाएगी हीट रिलीज, और हीट रिलीज को हम लेते हैं नेगेटिव. ठीक है? तो ये -20 और ये +20. तो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज हमारे पास क्या आया? ओवरऑल एंथैल्पी चेंज हमारे पास आ गया 0. ठीक है? मतलब जितनी हीट रिक्वायर्ड थी उतनी ही हीट रिलीज होगी. जितनी हीट हम दे रहे थे इनको ब्रेक करने के लिए उतनी ही बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पे रिलीज होगी. इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन का डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है? 0. फोर्थ कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउंड्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर. आइडियल सॉल्यूशन जो है राउंड्स लॉ को ओबे करता है सभी कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर. राउंड्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है? PA is equal to PA naught XA and PB is equal to PB naught XA. ठीक है? हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं. तो जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो PA और PB के सम के बराबर होगा. ठीक है? तो जैसा राउंड लॉ से एक्सपेक्टेड होता है वही वेपर प्रेशर जो है इस केस में आता है. तो हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करें और थ्योरेटिकली जो फाइंड आउट करें वो इक्वल होता है अगर हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन. वैसे तो कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, बट नियर अबाउट आइडियल सॉल्यूशन के जो हम एग्जांपल लेते हैं वो हमारे पास है एन हेप्टेन एंड
अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जो ए बी इंटरेक्शन होती है सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बीच में ए बी इंटरेक्शन जो है वो ए ए और बी बी इंटरेक्शन के इक्वली मैग्नीट्यूड नहीं होती, ठीक है। इसमें डेल्टा बी मिक्सिंग भी जीरो के बराबर नहीं होता, मतलब फाइनल वॉल्यूम या तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम होगा या डिक्रीजिंग वॉल्यूम होगा। इसमें एंथैल्पी चेंज भी जीरो के इक्वल नहीं होता, ये पॉजिटिव नेगेटिव